हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आई एम विक्रांत भारद्वाज, योर फिजिक्स ट्यूटर। और आज हम डिस्कस करेंगे बेटा मैग्नेटिज्म एंड मैटर का नेक्स्ट टॉपिक। मैग्नेटिज्म एंड मैटर चैप्टर 5 एनसीईआरटी। तो आज हम इसमें क्या डिस्कस करेंगे बेटा, रिगार्डिंग मैग्नेटिक फील्ड डिस्कस करेंगे। अर्थ मैग्नेटिक फील्ड किसके बारे में डिस्कस करेंगे? अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। आपको ऑलरेडी आइडिया है इसका, ठीक है। तो अर्थ मैग्नेटिक फील्ड बेटा, क्या स्टेटमेंट दी विलियम गिलबर्थ ने कि अर्थ इट्सेल्फ इज ए ह्यूज मैग्नेट। अर्थ इट्सेल्फ इज ए ह्यूज मैग्नेट। अर्थ इट्सेल्फ इज ए ह्यूज मैग्नेट। और ये जो स्टेटमेंट है इनकी, कौन से उस पर आई है? ऑन द फॉलोइंग एविडेंस, वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो क्या माना गया बेटा, अर्थ है, ये जो हमारी अर्थ है इसके इंटीरियर में एक मैग्नेट है। इसके इंटीरियर में क्या है? मैग्नेट। फॉर एग्जांपल, दिस इज द स्फेरिकल बॉडी अर्थ, और अबाउट दिस एक्सिस ये क्या कर रही है? रोटेट कर रही है। अबाउट दिस एक्सिस अर्थ क्या कर रही है? रोटेट कर रही है। और ये जो मैग्नेट है ये अलाइन नहीं है, इस एक्सिस के अलाइन नहीं है, अप्रोक्सीमेटली अलाइन है। वर्ड क्या यूज किया? अप्रोक्सीमेटली। तो ये जो ह्यूज बार मैग्नेट है बेटा, ये नॉर्थ ज्योग्राफिक नॉर्थ, ये साउथ ज्योग्राफिक साउथ, और ये जो मैग्नेट है कितना एंगल बना रहा है? 11.3 डिग्री एंगल बना रहा है। तो फिर से सुनिए, क्या माना गया? अर्थ के अंदर एक मैग्नेट है, ह्यूज बार मैग्नेट है, फिक्शन मैग्नेट कह लीजिए आप, या फिर हाइपोथेटिकल बात है बेटा, हाइपोथेटिकल। जस्ट कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए ऐसे कहा गया कि इनसाइड द अर्थ देयर इज ए ह्यूज बार मैग्नेट, इनसाइड द अर्थ इज ए ह्यूज बार मैग्नेट। और इस मैग्नेट का साउथ किधर है? टुवार्ड्स ज्योग्राफिक नॉर्थ। और इस मैग्नेट का नॉर्थ किधर है? टुवार्ड्स ज्योग्राफिक साउथ। इसी रीजन से जब भी हम किसी मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड करते हैं, बार मैग्नेट को, तो उसका जो नॉर्थ पोल है वो ज्योग्राफिक नॉर्थ को क्यों शो करता है? क्योंकि अंदर एक साउथ पोल है, ठीक है, ह्यूज बार मैग्नेट। तो अर्थ इट्सेल्फ ए ह्यूज बार मैग्नेट, इट इज कंसीडर्ड एट, इट इज कंसीडर्ड एट ए ह्यूज बार मैग्नेट लाइज इनसाइड द अर्थ, लाइज इनसाइड द अर्थ। जस्ट कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए, कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए ऐसी हाइपोथेटिकल बात कही गई। दूसरी बात देखिए बेटा, जो ये प्रूव करेगा अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है, अगर हम किसी सॉफ्ट आयरन पीस को, सॉफ्ट आयरन पीस वेल ब्यूरिड अंडर द सरफेस ऑफ अर्थ, वेल ब्यूरिड दबा देते हैं, ब्यूरिड अंडर द सरफेस ऑफ अर्थ, अंडर द सरफेस ऑफ अर्थ, तो क्या शो करता है बेटा? इट शोज द मैग्नेटिज्म। वो जो सॉफ्ट आयरन का पीस है, कौन सी प्रॉपर्टी शो करने लग जाता है? मैग्नेटिज्म आफ्टर सम टाइम। इट शोज मैग्नेटिज्म, मैग्नेटिज्म आफ्टर सम टाइम। कुछ टाइम के बाद ये क्या शो करने लग जाता है बेटा? मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज शो करने लग जाता है। थर्ड, और जो इसमें इंपॉर्टेंट बात है वो हम यहाँ पे भी डिस्कस कर सकते हैं, अगर मैं किसी भी मैग्नेट को, फ्रीली मैग्नेट को सस्पेंड करता हूँ विद द हेल्प ऑफ थ्रेड, इट कम टू रेस्ट इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। वो कौन सी डायरेक्शन में आके रुकेगा बेटा? नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में रुकेगा। अगर उसकी डायरेक्शन को मैं डिस्टर्ब भी कर देता हूँ तो वो फिर से अगेन कम टू रेस्ट इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। और ये किसकी वजह से हो रहा है? इस हाइपोथेटिकल मैग्नेट की वजह से हो रहा है। तो ए फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट
ए फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट ऑलवेज कम टू रेस्ट इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन. कौन सी डायरेक्शन में रेस्ट में आएगा? इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन. इफ वी डिस्टर्ब इट्स डायरेक्शन, इफ वी डिस्टर्ब इट्स डायरेक्शन, इट अगेन कम टू रेस्ट, इट अगेन कम्स टू रेस्ट इन सेम नॉर्थ साउथ डायरेक्शन. किस डायरेक्शन में आ जाएगा? नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में आ जाएगा. कौन सी डायरेक्शन में आएगा? नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में आएगा. बेटा कुछ पॉइंट हमने डिस्कस किए, तो यहाँ पे एक पॉइंट और डिस्कस कर सकते हैं हम. न्यूट्रल पॉइंट के रिगार्डिंग बताया था आपको. फोर्थ पॉइंट इज रिगार्डिंग न्यूट्रल पॉइंट. न्यूट्रल पॉइंट, न्यूट्रल पॉइंट क्या होता है बेटा? न्यूट्रल पॉइंट, जब भी किसी मैग्नेट की हम मैग्नेटिक फील्ड लाइन ड्रॉ करते हैं, वी कम अक्रॉस न्यूट्रल पॉइंट. हम न्यूट्रल पॉइंट मिलता है. न्यूट्रल पॉइंट वो पॉइंट होता है बेटा जिसपे मैग्नेटिक फील्ड क्या रहती है? जीरो. मैग्नेटिक फील्ड क्या रहती है? जीरो. अब मैग्नेटिक फील्ड क्यों जीरो हो गई इस बार मैग्नेट की वजह से? जरूर इसकी मैग्नेटिक फील्ड को किसी ने कैंसिल आउट किया होगा. किसने कैंसिल आउट किया गया? किसके द्वारा कैंसिल आउट हुआ? अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड की वजह से. तो ये जो हमें न्यूट्रल पॉइंट मिले, ये भी शो करते हैं, न्यूट्रल पॉइंट ऑल्सो शो अर्थ मैग्नेटिज्म. किसको शो करते हैं? अर्थ मैग्नेटिज्म. अगर न्यूट्रल पॉइंट हमें नहीं मिलते, अगर अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड नहीं होता, तो हमें न्यूट्रल पॉइंट कभी नहीं मिलते. वी नेवर कम अक्रॉस न्यूट्रल पॉइंट. पर जो न्यूट्रल पॉइंट एक्चुअल में, जब भी हम मैग्नेटिक फील्ड लाइन ड्रॉ करेंगे, हमें कुछ ऐसे पॉइंट मिलेंगे जहां पे मैग्नेटिक फील्ड जीरो. अगर उन पॉइंट पे हम कंपास को रखेंगे, मैग्नेटिक कंपास को, वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में नहीं जाएगी, वो किसी भी डायरेक्शन में नहीं जाएगी, क्योंकि वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है ही नहीं. जिस भी डायरेक्शन में रखोगे, सेम उसी डायरेक्शन में रहेगी. तो हमें ये जो न्यूट्रल पॉइंट मिले हैं, ये भी एक एविडेंस है किसका? कि अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है. प्लीज नोट डाउन. अब ये जो बेटा अर्थ का मैग्नेटिज्म हमने प्रूव किया, ये किस वजह से है? कॉज ऑफ अर्थ मैग्नेटिज्म. क्या डिस्कस करेंगे? कॉज ऑफ अर्थ मैग्नेटिज्म. अच्छा ये बताओ, जियो मैग्नेटिज्म, एक डेफिनेशन और बताता हूँ आपको. जियो मैग्नेटिज्म, वट डू यू मीन बाई जियो? जियो मीन्स अर्थ. तो इट इज़ द ब्रांच ऑफ फिजिक्स. फिजिक्स का जो वो है बेटा, स्कोप इतना वाइड हो गया, हमने अलग अलग ब्रांचेज में इसको डिवाइड कर दिया. तो द ब्रांच ऑफ फिजिक्स, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद स्टडी ऑफ अर्थ मैग्नेटिज्म. जो किसकी स्टडी कर रही है? अर्थ मैग्नेटिज्म की स्टडी कर रही है. अर्थ मैग्नेटिज्म इज नोन एज जियो मैग्नेटिज्म. उसको हमने क्या नाम दिया? जियो मैग्नेटिज्म. कॉज ऑफ, कॉज किस वजह से है? कॉज ऑफ अर्थ मैग्नेटिज्म. कॉज ऑफ अर्थ मैग्नेटिज्म, सुनो बेटा ध्यान से. ये जो कोज हम डिस्कस करेंगे, कोई श्योर नहीं है कि इसी वजह से मैग्नेटिज्म हो, फिर भी हमें कुछ एस्टिमेट हुआ, आइडिया लगा रिगार्डिंग दिस. तो पहला तो वही पॉइंट आएगा इसमें जो सर विलियम गिलबर्ट ने कहा, अर्थ के अंदर क्या है? एक ह्यूज बार मैग्नेट है. अर्थ के अंदर क्या है? एक ह्यूज बार मैग्नेट है. वो कैसी हाइपोथेटिकल बात कही कंसेप्ट को समझाने के लिए. एक्चुअल में कोई मैग्नेट नहीं है, ठीक है? तो फर्स्ट तो वही है, अर्थ इट्सेल्फ इज ए ह्यूज बार मैग्नेट. अर्थ itself is huge bar magnet. उसी तरह लिख देना उसके बारे में, ठीक है? सेकेंड पॉइंट में बेटा हम डिस्कस करेंगे अर्थ का जो एटमोसफेयर है, या फिर जो अर्थ का जो सब्सटांस है, सब्सटांस किससे बनी है? चार्जेस से बनी है. अर्थ रिवॉल्व कर रही है अबाउट इट एक्सिस. मान लीजिए ये एक्सिस है, इसके अबाउट अर्थ रिवॉल्व कर रही है. तो इसके जो सब्सटांस है, अर्थ के मटेरियल जो सब्सटांस है, मेड अप ऑफ चार्ज. किससे बने हुए हैं? चार्ज से बने हुए हैं.
मेड अप ऑफ चार्ज, मीन्स इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है। तो जब चार्ज आपका रोटेट करेगा, चार्ज रोटेट करेगा तो वो क्या बनाएगा, सर्कुलेटिंग करंट। क्या बनाएगा, सर्कुलेटिंग करंट। और अगर करंट की वजह से क्या होता है बेटा, मैग्नेटिज्म। एंड सर्कुलेटिंग करंट इज द कॉज ऑफ अर्थ मैग्नेटिज्म, दिस इज द कॉज ऑफ अर्थ मैग्नेटिज्म। थर्ड इसमें हम डिस्कस करेंगे जो अर्थ का एटमॉस्फेयर है, कौन सा एटमॉस्फेयर, आउटर एटमॉस्फेयर। ये जो बाहर का एटमॉस्फेयर है इसमें जो हमारी गैसेस हैं किस फॉर्म में है, आयनाइज्ड स्टेट में है, आयनाइज्ड स्टेट। तो अर्थ जब घूमती है अबाउट इट एक्सिस तो ये गैसेस भी घूमती हैं। तो ये जो आउटर गैसेस हैं, आउटर एटमॉस्फेयर हैं, आयनाइज्ड गैसेस हैं, इनकी वजह से सर्कुलेटिंग करंट बनेगा, सर्कुलेटिंग करंट। हर एक में बेटा वही बात बतानी है आपको, सर्कुलेटिंग करंट किसकी वजह से बना, इस बार आयनाइज्ड गैसेस की वजह से बना, ठीक है। गैसेस कौन सी स्टेट में है, आयन की फॉर्म में है, आयनाइज्ड। तो सर्कुलेटिंग करंट इज द कॉज ऑफ अर्थ मैग्नेटिज्म, कॉज ऑफ अर्थ मैग्नेटिज्म। एंड लास्ट इसमें हम डिस्कस करेंगे जो अर्थ का इंटीरियर है, इंटीरियर कोर है, वो मोल्टन स्टेट में है। अर्थ का इंटीरियर कोर किस में है, मोल्टन स्टेट, मोल्टन स्टेट में है बेटा। किससे बना हुआ है, निकल, ठीक है। तो जब ये सर्कुलेट करती है तो अगेन जब ये हमारे मोल्टन स्टेट जो सर्कुलेट करेगी इसकी वजह से क्या बनेगा, करंट बनेगा। सर्कुलेटिंग करंट के इक्विवेलेंट है सभी चीज़ें, सर्कुलेटिंग करंट, और उसकी वजह से क्या होगा, कॉज ऑफ मैग्नेटिज्म। तो आपने देखा बेटा सभी में लगभग सेम रीजन बता है, यहाँ पे किसकी वजह से है, अर्थ के सबस्टांस, सबस्टांस चार्ज से बने हैं, तो चार्ज मूव करेगा तो किसके इक्विवेलेंट है, सर्कुलेटिंग करंट इक्विवेलेंट। तो मूविंग चार्ज किसके इक्विवेलेंट है, इक्विवेलेंट टू सर्कुलेटिंग करंट, और उसकी वजह से होगा मैग्नेटिज्म। उसके बाद आयनाइज स्टेट में क्या चीज़, एटमॉस्फेयर, अर्थ एटमॉस्फेयर, अर्थ आउटर एटमॉस्फेयर, आउटर एटमॉस्फेयर कौन सी स्टेट में है, आयनाइज स्टेट में है। तो आयन मूव कर रहे हैं, सर्कुलेट कर रहे हैं, उसकी वजह से करंट बना, और दिस इज द कॉज ऑफ मैग्नेटिज्म। और यहाँ पे जो अर्थ का इंटीरियर कोर है, अर्थ की जो इंटीरियर कोर है वो किसकी बनी हुई है, मोल्टन स्टेट में है। कौन सी स्टेट में है, मोल्टन स्टेट में है। तो यहाँ पे भी बेटा वही चीज़ बनाई। इसको प्रूव करने के लिए क्या बताया गया, फिर से देखिए यहाँ स्पेस है, इन सभी पॉइंट्स को प्रूव करने के लिए क्या फिलोसफी दी गई, जो मून है, मून उसके पास क्या नहीं है बेटा, मोल्टन स्टेट नहीं है। मून के पास क्या नहीं है, मोल्टन स्टेट नहीं है। मून हैज नो मोल्टन स्टेट, मोल्टन कोर, सॉरी, क्या नहीं है मून के पास, मोल्टन कोर नहीं है। तो मून हैज नो मैग्नेटिक फील्ड, मून हैज नो मैग्नेटिक फील्ड। इंटरेस्टिंग, मून का कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं है जैसा कि अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड होता है। इसके बाद जो प्लेनेट है वीनस और जुपिटर, इनके बारे में क्या कहा गया बेटा, वीनस का जो रोटेशन का रेट है, रेट ऑफ रोटेशन, वो स्लो है, और जुपिटर का क्या है, फास्ट, स्लो, और इसका क्या है, फास्ट। तो स्लो रेट ऑफ रोटेशन की वजह से रेट ऑफ रोटेशन, समझ जाओगे, रेट ऑफ रोटेशन, स्लो रेट ऑफ रोटेशन की वजह से इसका जो फील्ड है वो कैसा है, वीक, और इसका जो फील्ड है वो कैसा है, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड। कैसा फील्ड है, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा ये बताओ बेटा, जो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड होता है उसकी वैल्यू कितनी होती है, अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ देख लीजिए, 10^-5 टेस्ला सरफेस पे, कितनी है, 10^-5 टेस्ला ऑन द सरफेस। क्या सिर्फ सरफेस पे होता है, नहीं, अप टू ए हाइट ऑफ 5 टाइम्स ऑफ रेडियस। रेडियस है बेटा 6400 किलोमीटर, तो 6400 किलोमीटर को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे ये आ जाएगा आपका
लगभग 32,000 किलोमीटर हाइट तक मैग्नेटिक फील्ड है, किसका? रिगार्डिंग अर्थ। तो ये भी क्वेश्चन कई बार आ जाता है, ठीक है, अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से हम इसमें डिस्कस करेंगे। नोट कीजिए बेटा, अब हम डिस्कस करेंगे बेटा इसमें कुछ फीचर्स ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, जनरल फीचर्स, जनरल फीचर्स ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। सिंपल है बेटा, इसमें एक डायग्राम हम डिस्कस करेंगे, वो डायग्राम आपको आना चाहिए अच्छे से, सारी चीज़ें इस डायग्राम में ही समझ में आ जाएंगी, ठीक है। दिस इज आर अर्थ, इस एक्सिस के अबाउट अर्थ क्या कर रही है? रोटेट कर रही है। तो ये क्या है? एक्सिस ऑफ रोटेशन, एक्सिस ऑफ रोटेशन। इसी एक्सिस को हम कहते हैं बेटा जियोग्राफिक एक्सिस, जियोग्राफिक एक्सिस। जिस एक्सिस के अबाउट अर्थ क्या कर रही है? रोटेट। एक ह्यूज बार मैग्नेट की बात की, वो एक्चुअल में एक्सिस ऑफ रोटेशन के अलाइन नहीं है, अप्रोक्सीमेट अलाइन है इस टाइप से। ये हमारा हाइपोथेटिकल मैग्नेट है जिसकी बात हम बार बार कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारे नॉर्थ पोल है, ज्योग्राफिक नॉर्थ, और ये हमारा है साउथ पोल, ज्योग्राफिक साउथ। तो ऑब्वियस ही बात है बेटा, ये नॉर्थ पोल को शो करेगा जब हम मैग्नेट को सस्पेंड करेंगे। तीसरा मैग्नेट जो हमने सस्पेंड किया वो नॉर्थ पोल उसका इधर आएगा। नॉर्थ पोल इधर क्यों आएगा? अगर इस फिक्शन मैग्नेट का साउथ पोल हो और इधर इसका क्या हो? नॉर्थ पोल। तो ये जो मैग्नेटिक एक्सिस पोल को जो लाइन मिलाती है इसको हम कहते हैं मैग्नेटिक एक्सिस। तो ये जो एक्सिस है इसको क्या कहा गया? मैग्नेटिक एक्सिस, मैग्नेटिक एक्सिस। और ये कौन सी एक्सिस? ज्योग्राफिक एक्सिस। दो टर्म आपको क्लियर होनी चाहिए। इसके बाद ये जो मैग्नेट को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, ठीक है, मैग्नेटिक एक्सिस के परपेंडिकुलर जो हमारा प्लेन है इसको हम कहते हैं मैग्नेटिक इक्वेटर। क्या कहते हैं? मैग्नेटिक इक्वेटर। थर्ड टर्म, इक्वेटर इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है बेटा। ये वाला हेमिस्फीयर टू हेमिस्फीयर में इसको डिवाइड कर देता है, टू हेमिस्फीयर में। जैसे तरबूज लिया, बीच में से आपने इसको कट कर दिया तो दो पार्ट बन गए, एक अबव और एक बिलो। टू हेमिस्फीयर, एक ये वाला और एक ये वाला। अच्छा, इनसाइड मैग्नेट साउथ से नॉर्थ, और बाहर मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या होगी बेटा? नॉर्थ से साउथ। बाहर क्या होगी? नॉर्थ से साउथ। तो ये मैंने मैग्नेटिक फील्ड लाइन दिखाई नॉर्थ से साउथ इस टाइप से। एरो का ध्यान रखना है जस्ट। तो दीज आर द मैग्नेटिक फील्ड लाइन, मैग्नेटिक इक्वेटर, और एक आपको ये दिखाना होता है इसमें ज्योग्राफिक इक्वेटर। ये ज्योग्राफिक इक्वेटर, और ये जो हमारी मैग्नेटिक एक्सिस है ये अलाइन नहीं है टुवार्ड्स वेस्ट। ये हमारी वेस्ट, ये ईस्ट, ईस्ट वेस्ट। टुवार्ड वेस्ट कितना एंगल बना रही है बेटा? 11.3 डिग्री का एंगल बना रही है। कितना एंगल बना रही है? 11.3 डिग्री का। अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड वो मैं अभी बता चुका आपको, 10^-5 टेस्ला। और कहाँ तक है? हाइट की अगर मैं बात करूँ, 5 times ऑफ रेडियस ऑफ अर्थ। कहाँ तक है? 5 times द रेडियस ऑफ अर्थ, एंड दिस वैल्यू इज ऑन द सरफेस, ऑन अर्थ सरफेस, ऑन अर्थ सरफेस। ठीक है बेटा, आज हमने बेसिक डिस्कस किया अर्थ के बारे में, उसका मैग्नेटिक फील्ड के बारे में, कॉज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ, और लास्ट में क्या किया? जनरल फीचर्स रिगार्डिंग अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।